तो हेलो गाइस, आ चुके हैं और एक नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुष्पा 2 के बारे में और साथ में बताने वाला हूं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुष्पा 2 का जो कलेक्शन आएगा वो केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं। तो गाइस, अगर आप चैनल में नया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना, क्योंकि हम बार बार ऐसे मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पुष्पा द राइज को रिलीज़ किया गया था 17 दिसंबर 2021 को और इस मूवी को लीड रोल में नजर आए थे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंधाना। इस मूवी का जो डायरेक्टर थे वो है सुकुमार और इस मूवी का जो प्रोडक्शन हाउस था वो था मैथ्री प्रोडक्शन हाउस। तो गाइस, इस मूवी का जो बजट था 180 करोड़ का था और इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो है 365 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो गाइस, आपको तो पता है कि पुष्पा 1 जब आया था लोगों में बहुत ही क्रेज था। वो हो गया, टिकटक हो गया या क्रिकेट हो गया, हर जगह पुष्पा का डायलॉग ही चल रहा था। तो गाइस, अभी बहुत ही लोगों का इंतजार है कि पुष्पा पार्ट 2 कब आएगा। तो गाइस, पार्ट 2 का तो शूटिंग अभी चल रहा है और इस मूवी को शायद पुष्पा द रूल्स को जो रिलीज़ किया जाएगा वो है 2023 का 1 जनवरी में रिलीज हो सकता है। पुष्पा 2 का शूटिंग को अभी रोका गया है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का जो सक्सेस देख के पुष्पा 2 का जो डायरेक्टर सुकुमार ने और पुष्पा 2 में कुछ स्टोरी चेंज किया है, जैसे कि पुष्पा 2 केजीएफ चैप्टर 2 से बहुत ही बड़ा मूवी एक निकल सकता है। जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन था, मतलब कि अभी तक 1200 या 1300 करोड़ हो चुका है, ऐसे उसका जो रिकॉर्ड है पुष्पा 2 तोड़ पाएगी या नहीं, ये सब को लेकर बहुत ही ऑडियंस में काफ़ी बात चल रहा है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो रिकॉर्ड को पुष्पा 2 तोड़ पाएगा या नहीं, ये मेरे को कमेंट करके बताना। देखो, केजीएफ चैप्टर 2 का अभी जो कलेक्शन है वो 1270 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। अगर पुष्पा 2 को उसका आगे जाना पड़ेगा तो 1400 करोड़ तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस देखो, जब 1000 करोड़ का क्लब में शामिल होगी एक मूवी, वो मूवी को देखने के लिए आप 5 बार जाओगे तो 1000 क्लब में शामिल हो सकता है। मतलब कि एक बार अगर वो मूवी देखने लायक होगा तो 1000 करोड़ में शामिल नहीं हो पाएगा। अगर वो मूवी बहुत ही अच्छा निकलेगा पहले की तरफ से तो उसका अंदर भी कुछ, मतलब कि पहले जो दो संग था श्रीवली और शामी, उसकी तरफ से और कोई संग आया और उसका जो डायलॉग था झुकेगा निशाला ऐसे स्वाग रहेगा तो केजीएफ चैप्टर 2 से पुष्पा 2 बहुत ही आगे निकल जाएगा। तो बस ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में पुष्पा भाऊ नजर आएगा। तो बस ये बात बिल्कुल भी फेक है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि केजीएफ का 1980 का स्टोरी था और पुष्पा 2 का भी 1980 का स्टोरी है। तो वैसे ऐसे कुछ नहीं है कि पुष्पा 2 आएगा फिर केजीएफ को रॉकी भाई को बचाएगा पानी से, ये सब मतलब कि गलत है। इसमें इसके चक्कर में मत पड़ो क्योंकि ये कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पुष्पा एक अलग इंडस्ट्री का मूवी है और केजीएफ एक अलग इंडस्ट्री का मूवी है। आपको तो पता है कि पुष्पा तेलुगु इंडस्ट्री का मूवी है और केजीएफ एक कन्नड़ इंडस्ट्री का मूवी है और डायरेक्टर भी सेम नहीं है। डायरेक्टर उसका पुष्पा का सुकुमार है और केजीएफ का प्रशांत नील, तो ये दोनों के अंदर कोलाबरेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 3 का जो कनेक्शन होने वाला है वो है सलार और बघीरा के अंदर हो सकता है। तो गाइस, आपने तो केजीएफ चैप्टर 1 दिखा होगा और केजीएफ 2 भी देख लिया। तो केजीएफ चैप्टर 1 आप जब दिखे थे आपको केजीएफ चैप्टर 2 का बहुत ही इंतजार था क्योंकि आप केजीएफ चैप्टर 1 में एक माँ का प्रॉमिस दिख रहे थे और आपको बहुत ही इमोशन सीन भी देखने के लिए मिला था। और केजीएफ चैप्टर 2 में क्या होगा, रॉकी जब गरुड़ा को मार दिया उसके बाद क्या होगा, वो कैसे दुनिया जीतेगा, ये सब हम लोग को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट थे। बट पुष्पा 1 जब मैंने दिखा था उसमें मैंने को लास्ट में सीन दिखाया था कि वो पुलिस वाला को पुष्पा ने उसको नंगा कर दिया है, फिर वो पुलिस वाला पुष्पा के ऊपर बदला लगा। ये तो मेरे को पता है कि पार्ट 2 में होगा और जली रेड्डी को मारा था और जली रेड्डी भी उसके ऊपर जो बदला है लेनी हुई। बट केजीएफ चैप्टर 2 में क्या होगा वो किसी को पता नहीं था। जब हमने सुना था कि संजय दत्त का एंट्री हो रहा है अधीरा का गेटअप में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था कि केजीएफ चैप्टर 2 को देखने के लिए। तो गाइस, ये मूवी जब थिएटर में आया बहुत ही लोग इसको एक बार नहीं 5-6 बार देखे और इस मूवी का जो कलेक्शन है वो RRR से भी ज़्यादा हो गया था। बट पुष्पा 2 आ रहा है, ये भी बात है, पुष्पा 2 आ रहा है और इसका जो कलेक्शन लाइफ टाइम कलेक्शन मुझे लगता है कि ये मूवी 1000 से 1100 करोड़ के अंदर रहने वाला है। तो गाइस, और भी एक बात हो सकता है, अगर पुष्पा 2 का जो स्टोरी लाइन है बहुत ही बढ़िया रहेगा और एक बंदा को एक बार नहीं 5 बार वो मूवी को देखने लायक होगा तो इस मूवी का जो कलेक्शन है वो केजीएफ चैप्टर 2 से ज़्यादा होगा ही होगा, पक्का ही होगा। तो गाइस, अगर केजीएफ चैप्टर 2 को पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो गाइस और भी केजीएफ चैप्टर 3 भी आ रहा है उसका रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 एक ऐसा मूवी है जिसको हर एक इंसान का वेटिंग भी है। और इस मूवी का जब रिलीज होगा 2024 1 अप्रैल महीने में, तो गाइस इस मूवी का जो कलेक्शन होने वाला है वो कम से कम 1900 से 2000 करोड़ के होने वाला है।
तो गाइस लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि पुष्पा 2 के जिस चैप्टर 2 का रिकॉर्ड को तोड़े, क्योंकि हर एक मूवी आता है मतलब कि बहुत ही बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनाती, तो ये तो सही बात है क्योंकि केजी चैप्टर 2 1300 करोड़ बनाया है और पुष्पा 1500 करोड़ बनाया गया, फिर उसके बाद केजी चैप्टर 3 आएगा 1700-1800 करोड़ बनाएगा, तो ऐसे चलता रही हर कोई का हर किसका मूवी बहुत ही ज़्यादा करोड़ में शामिल हो सकता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि केजी चैप्टर 2 का जो रिकॉर्ड है केजी चैप्टर पुष्पा 2 तोड़ पाएगा या नहीं, मेरे को कमेंट करके बताना। तो गाइस आज का वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि हम बार बार से मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।